एक टाइम था जब मैं सोच रही थी कि मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूँ आफ्टर ट्रेनिंग. हमें तो हम बिल्कुल सिक्योर, हमारे घर की तरह है ये डिपार्टमेंट. अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम V2 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान. नाजरीन, आज मेरे साथ पुलिस की बहुत ही बहादुर खातून मौजूद हैं जो कि CCP ऑफिस में वेलफेयर आई की इंचार्ज हैं, जो कि बेसिकली शहदा की फैमिली को रिलीफ देते हैं, उन्हें फंड्स देते हैं और उनकी जो भी डीलिंग्स है पब्लिक डीलिंग्स वो करती हैं. क्यों ज्वाइन किया उन्होंने पुलिस का शोबा, कितना चैलेंजिंग है और वो कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस करती है, तो आइए वेलकम करते हैं हम उम्मे कुलसूम को. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम, आपने आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया. अच्छा, सबसे पहले उम्मे कुलसूम, जो कि मैं सबसे पूछती हूँ आपसे भी पूछूंगी कि पुलिस का जो शोबा है, जो एक प्रोफेशन है, वो बड़ा चैलेंजिंग एक जॉब है. लड़कियाँ बहुत पैशनेट होके आ तो जाती हैं बट जब वो काम करती हैं फील्ड में तो वो बहुत टफ हो जाता है. किसने आपको इंस्पायर किया, किससे इंस्पायरेशन मिली और फिर आपने ज्वाइन किया और उसके बाद कैसे आप प्रोसीड करती हैं? मैं जब पुलिस डिपार्टमेंट में, मतलब पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो मैं ज्वाइन करूँगी पुलिस फोर्स. अच्छा. बस जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुई ये था कि मुझे जो है वो कुछ करना है. अच्छा. तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जब मैंने यूनिफॉर्म में देखा, हमारी मैम है मैम शाइस्ता नदीम SP. अच्छा. तो जब मैं उनको यूनिफॉर्म में देखती थी तो मुझे उनको अच्छी लगती थी वो बहुत यूनिफॉर्म में, और मतलब स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग आती है कि आप वीक नहीं हो, आपके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता. तो वो इस तरह की जो एक चीज़ थी उसके बाद मैं सोचा और फिर मैं अप्लाई किया और हम लोगों की सिलेक्शन हो गई. अच्छा, अगर पुलिस में मैं आपको कहूँ कि अगर आप पुलिस ज्वाइन ना करती तो आपका क्या, शुरू से बच्चे जब हम सोचते हैं कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, क्या शौक था? मुझे इंजीनियर का था कि जब अच्छा, मैं बहुत छोटी थी जब ये सोचते थे, लेकिन उस वक्त तो चेंज था, कभी कुछ भी सोचते थे. मुझे बिजनेस का भी था कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि मेरे बाबा बिजनेसमैन हैं तो मुझे उनकी तरफ से था कि मैं भी बिजनेस करूं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है. मैं पुलिस डिपार्टमेंट में. अच्छा, कितना अर्सा हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में? मुझे 4 ईयर्स हो गए. तो यहाँ सबसे जब वेलफेयर आई, जो आपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया उसके इंचार्ज हैं, ये कितने अर्से से आप कर रही हैं? मैं 3 ईयर्स से हूँ यहाँ पे, और यहाँ जो जिस तरह से हम, मतलब मुझे लगता था जैसी मेरी नेचर है, मैं जो किसी की हेल्प करना चाहती थी कभी, तो बिल्कुल वैसी जगह है. मैं यहाँ बहुत से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ. Okay. मैं और हम जब से मुझे ये फीलिंग आई है कि हम दूसरे लोगों को इस तरह से इन मुश्किल में, पहले हालात इस तरह से नहीं होते थे और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी लोगों को, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गई, और जब मुझे लगता है कि चेंज की एक वजह मैं भी हूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है. अच्छा, उम्मे कुलसूम, जब आपने मुश्किल की बात की कि मुश्किल थी बहुत ज़्यादा, तो उन मुश्किल में कौन सी मुश्किल बल्कि सहरे सामना किया, कौन से चैलेंजेस थे बहुत ज्यादा? सोसाइटी का प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था, कुलीग्स का प्रेशर था, कोई और जो चीज़ आपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपको कुछ तो आपने फेस किया होगा, तो वो क्या चैलेंजेस और मुश्किल? स्टार्टिंग में जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई, वैसे तो मेरे बाबा खुश थे कि मैं इस डिपार्टमेंट में आ गई हूँ. अच्छा. मेरी फैमिली को कोई इशू नहीं था, मैं खुद भी सेटिस्फाइड थी. मुझे अच्छा लगता था कि मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगी, ऐसी ट्रेनिंग होती है, हमने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग की, शूटिंग जो आम लड़की नहीं कर रही होती ना, तो हमें वो चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी लग रही थी सब चीज़ें, कि मैं इसलिए पुलिस जो है वो मैं ज्वाइन की ना. अच्छा, ट्रेनिंग में बड़ा मुश्किल नहीं हुआ ट्रेनिंग करते हुए? क्योंकि सबसे मुश्किल मेरे ख्याल में जो अर्सा होता है ना पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का, वो ट्रेनिंग में होता है, क्योंकि ट्रेनिंग में बड़ा टफ ट्रेनिंग होती है, PT होती है, फिर आपका वो कोर्सेज हैं, क्लासेज हैं, फिर शाम को एक और एक्सरसाइज है, तो वो किस तरह मैनेज करती थी? ट्रेनिंग मुझे तो मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि मुझे हमेशा से ही, क्योंकि मेरे बाबा जो हैं वो मुझे सुबह उठना मुश्किल नहीं लगता था. अच्छा. मुझे आदत थी पहले से, और मुझे वो चीज़ें, ये PT परेड ये ज़्यादा नहीं मुश्किल लग रही होती थी. घर से दूर थे हम, सिहाला में हमारी ट्रेनिंग हुई. अच्छा, थोड़ा अच्छा. मुश्किल लगता था, फैमिली से दूर फर्स्ट टाइम गई थी,
लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो गई और ट्रेनिंग पे हमने बल्कि इंजॉय किया जो ट्रेनिंग में आप वहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, हमने ड्राइविंग, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग और डिसिप्लिन आप सीखते हो, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा, थाने में जो थाना कल्चर है, थाने में भी ज़ाहिर बात है आपने ड्यूटी की होगी, तो थाने कल्चर में मुझे बताइएगा कि जो मुश्किलात औरतों को आती हैं, अब वुमेन जो भर्तियाँ हो रही हैं, औरतें आगे आ रही हैं और ज्वाइन कर रही हैं पुलिस को, क्या फ़र्क आया? मैडम अगर अब हम पुलिस का वो देखें, जो आप पुलिस स्टेशन की, मैं वैसे इतना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो अगर अभी हम देखें जो न्यू लोग आए हैं और अब जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो सेल उनके बन गए हुए हैं और उसके अगेंस्ट जो फीमेल्स के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे फीमेल्स इन चार्जेस हैं, वो उन इश्यूज़ को देखती हैं, हेल्प आउट भी करते हैं लोगों को, और अब उस तरह से चीज़ें नहीं, अब चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई। अच्छा मैम, उम्मीद कर सकूँ हम देख रहे हैं कि ये पीछे साहिल खड़े हैं, अब लोग आते हैं, आप डीलिंग करती हैं, ख़ासतौर पर शहदा की फैमिलीज आती हैं, उनके क्या मसाइल हैं, और अगर आप हमारे सामने डील करें ताकि लोगों को पता चले कि शहदा की फैमिली से किस तरह आप डील करती हैं। मैडम आई हैं, इनका जो एटीएम कार्ड है वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। और उसको रीन्यू करवाने के लिए जो इन्होंने अपने सेल से कॉल रजिस्टर्ड नंबर से करनी थी वो बता रही हैं कि वो इनका अभी इनके पास नहीं है। अच्छा। तो अब वो जो है हमारा यहाँ से जो पीटी सेल का नंबर है उससे कॉल करवाना थी मैडम की। अच्छा। तो ये मैडम मतलब बहुत ही कोई इस तरह का इशू हो जिसमें बहुत ही जरूरी हो तो जरूरी उस सूरत में कोई आ जाए तो हम उसमें उनको हेल्प करते हैं, वरना हमारी कोशिश होती है कि लोगों को घर बैठे ना हो और वो घर बैठे अपना काम। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फरजाना। अच्छा, आपके हस्बैंड की शहीद हुए? जी। कितना अर्सा हो गया? 9 साल। तो किस तरह, मतलब कोई बम धमाके में शहीद हुए थे या किस तरह शहीद हुए? वो बीमार। अच्छा, बीमार थे इन सर्विस। 2017 से जो ये पॉलिसी है कि जब किसी की डेथ हो रही है हमारे डिपार्टमेंट में तो उसकी फैमिली को फुल पे मिलती है। अच्छा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों की डेथ हो रही थी उसमें उन लोगों को पेंशन मिला करती थी। अच्छा। और वो अकॉर्डिंग टू सर्विस होती थी। हाँ। और उसमें जितनी उनकी सर्विस होगी उसी के अकॉर्डिंगली उनकी पेंशन बनी होगी, तो वो मैम का ये कहना है कि वो पेंशन इनको कम मिल रही है। अच्छा। उसको हम करने के लिए, ठीक करने के लिए इनको मेंटेनेंस अलाउंस डिपार्टमेंट जो है वो आफ्टर एवरी 3 मंथ्स जो है वो इनको मेंटेनेंस अलाउंस मिल रहा है। ठीक है। इनके बच्चों के जितने इनके बच्चे हैं और ये विडो हैं इनको 3 मंथ्स के बाद मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है। अच्छा, तो वो मेंटेनेंस अलाउंस कितना तकरीबन इतना होता है कि इनकी जरूरत पूरी हो सके? उसमें वो 6,000 विडो का है। अच्छा। 1 मंथ का, और उसको आप 3 से कर ले मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद इनके बच्चे हैं, अगर इनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको जो है वो उसी हिसाब से फिर नंबर ऑफ चाइल्ड। हाँ। और उनको वो मिलता रहेगा जब तक इनका कोई इनके बच्चों में से कमाने नहीं। हाँ। जो है वो अवेल नहीं कर लेता। ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट इनको जॉब भी ऑफर करता है। अच्छा, डिपार्टमेंट ने आपको जॉब भी ऑफर करता है कि अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो गए तो उनके बच्चों को जॉब देंगे? जी, उनके एक बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, तो मैडम आप मुझे ये बताएं कि जब आपका CCP ऑफिस आना होता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक सिचुएशन है जो आपने आना ही आना है, तो उसमें आपकी कोई बात सुनता है यहाँ पर कि नहीं? नहीं, सुनते हैं। सुनते हैं जी। आप सेटिस्फाई हैं? जी। सेटिस्फाई हैं इनकी कारकर्दगी से? चलिए, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अब मैम कुलसुम से थोड़ी सी और बात करते हैं और जानते हैं कि जो पुलिस सर्विसेज थी उन्होंने ज्वाइन की, उन्होंने बाय चॉइस किए थे क्योंकि उनके फादर ने या किसी ने फोर्स किया था कि चलो पुलिस में चलो और नौकरी करो। अच्छा कुलसुम, मुझे ये बताओ कि आपने जो पुलिस सर्विसेज थी वो बाय चॉइस आई थी या किसी ने बहुत ज़्यादा फोर्स या कान पकड़ के चलो? फोर्स तो नहीं किया था लेकिन मैं बाय चांस आई थी। अच्छा। क्योंकि मैं पहले तो बहुत पहले नहीं सोचा था, मैं बिजनेस के बारे में कभी सोचती थी कि मुझे बिजनेस करना। अच्छा। है। उसके बाद ये जॉब एक ऐसी थी मतलब जिसमें मैं खुद को तो सिक्योर फील करती हूँ। हाँ। मैं अपने अलावा और भी बहुत से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, देख लिया कि कुलसुम ने कैसे जो है शहदा की फैमिली को डील किया और कैसे वो डील कर रही हैं। इससे पहले मैंने आपसे कुलसुम क्वेश्चन पूछा था कि एज अ पुलिस ऑफिसर आपको किन चैलेंजेस का सामना है?
वो आप मुझे बताइएगा कि किन चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है। मैं आपको बता रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में जब मैं ज्वाइन किया है उसके बाद सबसे पहले तो ये कि सोसाइटी आपको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। पुलिस डिपार्टमेंट को वैसे भी आपने देखा होगा ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिया जा रहा होता, फिर इसमें जो है वो किसी फीमेल का होना, तो वो मैं खुद भी फेस किया बहुत ज़्यादा। और स्टार्टिंग में तो मैं एक टाइम था जब मैं सोच रही थी कि मैं डिपार्टमेंट छोड़ दूँ आफ्टर ट्रेनिंग, और वो मुश्किल था थोड़ा, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, एक्सपोजर नहीं था, पता नहीं था, वर्किंग का नहीं पता होता, तो फिर शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन सोसाइटी में जब मैंने ये सोचा कि हम तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अच्छा काम किसी के इस तरह की बातों की वजह से तो नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल। तो अब फिर जो है मैं जब यहाँ ऑफिस आई हूँ, यहाँ पे वेलफेयर आई का जब मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाया हमने ये सॉफ्टवेयर, और फिर जिस तरह से लोगों की हेल्प की और बहुत से लोगों को जब रिलीफ मिला, तो तब मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत से लोगों के लिए होप हूँ। अच्छा। और बहुत से लोगों के जब काम होते हैं जो दुआएं मिलती हैं वो जो इंस्पिरेशन है, अब मैं कभी भी नहीं सोचती कि मुझे डिपार्टमेंट छोड़ना है। मतलब मुझे तो अभी मुझे लगता है कि मैं कहीं और जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकती, और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। अच्छा कुलसुम, मुझे ये बताइएगा कि हेरासमेंट का से एक फैक्टर होता है, बहुत समझा जाता है कि पुलिस में जो लड़कियां आती हैं उन्हें बहुत हैरेस किया जाता है, इसके बारे में लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्या लड़कियों की सेफ्टी है पुलिस डिपार्टमेंट में, या उनकी सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कभी आपने फील की कि आपको कोई हैरेस नहीं कर सकता, ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा लड़कियों के माइंड में। बिल्कुल रिमशा, आप जिस तरह से हैरेसमेंट की बात कर रही हैं कि सोसाइटी में फेस करना पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। और हम लोग, मैं बल्कि ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ इस डिपार्टमेंट में, जब मेरी वजह से और फीमेल्स जो हैं वो सिक्योर फील कर रही हैं, तो मतलब हम जो फीमेल्स हैं जो इस डिपार्टमेंट में हैं, हमें तो हम बिल्कुल सिक्योर, हमारे घर की तरह है ये डिपार्टमेंट, मतलब एक फैमिली का एक हिस्सा बन गया है, बिल्कुल दूसरा घर होता है। अच्छा एक और मैं बात पूछूंगी कि आप अब कमांडिंग वे में हैं, आप कमांड करती हैं, लड़कों पर भी कमांड ऑफिसर्स हैं, मेल भी हैं फीमेल भी हैं दोनों पर कमांडर, तो लड़के क्या एक फीमेल की कमांड थोड़ा मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, थोड़े मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि उनकी ईगो हर्ट होती है, आप बताएं क्या ऐसा है या नहीं, कौन आपकी बात मेल सुन लेते हैं या बस फीमेल ही अमल करती हैं? हमारे डिपार्टमेंट में जो सबसे एक अलग चीज़ है, जो आप हायरार्की देखते हैं जी जी, उसमें जिस पोजीशन पे मैं हूँ, मेरे अंडर जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको हमें ओबे करना ही पड़ता है, मुझे अपने सीनियर्स का, मेरे जूनियर्स को मेरा, तो हम जो है, मैं कभी भी ऐसा नहीं देखा कि कभी ऐसा ये हुआ कि लड़की देख के उन्होंने कहा कि ये क्या, कभी भी नहीं ऐसा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मेल जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे मेल लोग हैं पुलिस के, वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो आपको करते हैं, आपको ओबे करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि लड़कियां आ रही हैं और पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनका जो इतना जज्बा मैंने उनमें देखा, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, बहुत ज़्यादा पुरअज़्म है मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? पुलिस डिपार्टमेंट ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे फीमेल सिक्योर हैं, और आप दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो मतलब आप होप है, आप सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में आप आकर ये काम कर सकते हैं तो वो पुलिस डिपार्टमेंट है। अच्छा लाइटर नोट पे थोड़े क्वेश्चन हो जाए। जी ज़रूर। अच्छा अब यहाँ पे तो आप इंचार्ज हैं, घर में भी कभी किसी पे रोप डाला है कि नहीं? नहीं घर पे ऐसा नहीं है, मेरी छोटी सिस्टर है तो मैं उसकी ज़्यादा बातें मानती हूँ, और घर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता, उसका रोब होता है। अच्छा कभी ऐसा सुनने को मिला कि क्या घर में पुलिस वाली ना बनो, बस ऑफिस में पुलिस वाली? ऐसे भाई लोग मुझे बोलते हैं घर पे, और लेकिन मैं बिल्कुल, मैं एक अच्छी जो है वो अच्छी बेटी हूँ, मैं कभी भी जो है वो एक रोब नहीं डालती, नहीं डालती। अच्छा खाने में क्या अच्छा बना लेती हैं, या बस जॉब में इतना बिजी रहती हैं कभी किचन की तरफ नहीं? मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ। क्या अच्छा बनाती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, और उसके अलावा चाइनीज भी मैं अच्छा। अच्छा इसके अलावा, जॉब के अलावा, एक तो ये चलिए आपका पैशन है, इसके अलावा क्या शौक है, कौन सी हॉबीज है? मुझे ड्राइविंग करना अच्छा लगता है। अच्छा। और उसके अलावा हॉर्स राइडिंग पसंद है, मुझे शूटिंग भी पसंद है, थोड़ी डेंजरस। अच्छा, बड़े डेंजरस से शौक है आपके। और इसके अलावा आप जब बहुत ज़्यादा फारिग टाइम होता है तो किस तरह की बुक्स जो हैं वो रीड करती हैं? मैं सिंपल, अभी जैसे
हमने मैं सब्जेक्ट की बुक्स भी वैसे पढ़ती हूँ। अच्छा। आगे प्रिपरेशन करूँगी जो मेरी चल रही है। अच्छा। तो उसमें सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ते हैं और साथ में जैसे मैंने खलील जिब्रान की बुक्स पढ़ी। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में अब तक सबसे अच्छा वाकया क्या था जो आप शेयर करना चाहेंगी कि ये वाला मोमेंट जो था वो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का? जब मैं ट्रेनिंग पे थी। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी एक प्रेजेंटेशन हुई। अच्छा। और जो हमारी क्लास थी जो हम प्रेजेंट कर रहे थे, हम 6 मेंबर्स थे उस ग्रुप में जो हम प्रेजेंट कर रहे थे, उसमें फीमेल मैं ही थी। और उस मतलब हमारे सामने वो पूरा क्राउड था, हमारे पूरे बैचमेट जो है बैचमेट्स थे और कोई 300 के करीब सब इंस्पेक्टर्स थे, हमारे सीनियर्स थे, हमारे कमांडेंट और ऑफिसर्स सब, उन सब के सामने जब हमने वो प्रेजेंटेशन दी वो बहुत ही अच्छी रही। अच्छा। और मुझे आज भी याद है वो क्राउड और वो सब लोगों का हमें इतना अप्रिशिएट करना। और हमारी जो है वो उसके बाद हमें रिवॉर्ड भी मिला, उसमें कैश रिवॉर्ड भी था और हमें CC1 भी मिला। थैंक यू सो मच मेकल सोम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप बहुत सारी लड़कियों की जो पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं उनकी इंस्पायरेशन है। और गर्ल्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपके अंदर पैशन है, जोश और जज्बा है, ज़रूर ज्वाइन करें। और वुमन एम्पावरमेंट, इससे अच्छी क्या हो सकती है कि आप उस फील्ड में आएँ, आप उस पोस्ट पर आएँ जहाँ आप कमांड कर सकें और चेंज कर सकें सिस्टम को। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।